मेरे पास मैथ के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का पजल दिया जाता है कि 4 + 2 = 10। वैसे तो 4 + 2 = 6 होता है, लेकिन इस तरह का पजल दे दिया जाए कि 4 में 2 को ऐड करो तो 10 आए, अगर 3 में 6 को ऐड करो तो 24 हो, तो जब 8 को 4 में ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। उसके लिए पहले इसका आप लोगों पैटर्न देख लेना है। जब 4 को सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और जो आंसर आएगा उसे इसी के अंदर ऐड कर लेंगे, 8 + 2 = 10 बन जाएगा। इसी तरह से जब 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18, और 18 के अंदर इसी को ऐड कर लेंगे 6 को, 18 + 6 ही हमारे पास 24 आ जाएगा। तो जब 8 + 4 को सोल्व करना है, सबसे पहले 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32, और उसमें इस 4 को ऐड कर लेना है 32 + 4 = 36। तो 8 + 4 = 36 ये इसका आंसर आ जाएगा।